सारे लोग जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो यहाँ आम का बाग है उसमें जा रहे हैं। आज यादें ताजा करते हैं अपनी बचपन में, जैसे हम यहाँ पे आके आम तोड़ते थे बहुत पहले, छोटे से तो बहुत तोड़ते थे, तो ट्राई करते हैं टूटते नहीं टूटते, पहले तो टूट जाते थे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस, अपने नानी के घर से अब हम चल रहे हैं अपने घर पे, तो अभी फिलहाल रेडी हो चुका हूँ मैं चलने के लिए फटाफट से, सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो अभी मेरी मामी जी लेके आ चुकी हैं चाय सुबह सुबह, और नाश्ता भी लेके आ चुकी है रोटी वगैरह, बट वो सब नहीं खाते हमारे यहाँ पे कोई सुबह सुबह इतनी जल्दी, हमारे नाश्ता वगैरह करता नहीं है, तो मैं उसमें से पीऊंगा चाय फिर निकलते हैं फटाफट, सब लोग रेडी है। चलो मेरी भाई अपनी ब्लैक टी सुबह सुबह मस्त वाली यहाँ पे जो होती है हेल्दी हेल्दी, तो ये पीते हैं। मैंने मंगाया था मामा जी से, बोला मोर का पंख दे दो एक, ले जाएंगे अपने यहाँ छिपकली वगैरह होती है उसको लगाएंगे तो भागेगी, पर मेरी मामी बोल रही है कि ये पूरा लेके जाओ, देखो ये सारा का सारा बोले ले जाने, हमें चाहिए था एक सिर्फ पंच में से, देखो सीधा सीधा दिख रहा होगा, देखो इधर साफ दिख रहा, ये बोले पूरा ले जाओ एक नहीं ले जाना, बहुत बड़ा ये। हमें यहाँ यहाँ पर ना बहुत सारे मोर आते रहते हैं इधर पीछे की साइड में, इधर रात को बहुत मोर आके चिल्लाते पैं पैं करके, जैसे आवाज़ लगाते वैसे ही बहुत सारे मोर आते हैं, तो उनमें से गिरा होगा एक, गिन गिर के मामा ने हमारे बीन के रख लिए इकट्ठा करके, तो बहुत सारा हो गया उधर बैठे मामा, तो बोले सारा ले जाओ आप। तो मम्मी से मैंने मंगाया पानी, बहाना करके उनसे पूछेंगे अब चलेंगे घर से, तुमको कैसा लग रहा है यहाँ से जाएंगे, तो अच्छा लगा टाइम है नहीं ये पूछते। आओ अब जा रहे हो तुम अपने घर से, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं? अच्छा लग रहा है, आते हुए भी अच्छा लगा, जाते हुए भी अच्छा लग रहा है। नहीं तुझे लिया जाता नहीं तराई थे तो जाने तो है ही, आपको दिल्ली नहीं जाओगे क्या ये बताओ? नहीं तो रहो यहीं फिर क्यों जा रहे हो? चलो वो लोग रेडी होंगे कि नहीं? ये रही वो गाड़ी जिससे चलेंगे छोड़ने, और सब लोग आ चुके हैं रेडी हैं हमें ड्रॉप करने के लिए, इधर मामी है इधर भाभी है इधर हमारे मामा है, और ये दूसरी गाड़ी, दोनों गाड़ी जा रही है, दोनों गाड़ी चलेंगे। एक पे पहले मुझे बैठाएंगे, मुझे पता है क्योंकि मेरे को बैग वगैरह लेके जाना, तो इससे पहले मैं ही बैठूंगा, तो सबसे मिल लेता हूँ फिर बैग वगैरह लेके बैठता हूँ, चलते हैं फिर। हाँ अलग हेलो मामी, चलो ठीक है मामी, अलग चलो मम्मी तुम तो चलो यहीं रहोगे क्या जा रही हो? चलो बाय बाबू, बाय बाबू, बाय 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 कर दो, बाय करो, पैसा दे रही है मम्मी जबरदस्ती सब कुछ, नहीं ले रहे फिर भी दे रहे हैं, जो विवाद रस्म होती है जानते हो आप, जैसा सभी से रखते हैं भाई। हमारे नानी के यहाँ पे देखो बहुत बड़ी मूर्ति है, शिवलिंग है शंकर जी की, ये देखो कितनी बड़ी है, यहाँ पे पूजा वगैरह सब लोग करने आते हैं, जैसे दिखाता हूँ अभी पीछे से। तो मैं आ चुका हूँ और लोगों को लेके आ रहे हैं, अभी यहाँ रख दिया मैंने सामान, बस हमारी मिलेगी उस तरफ, अभी इस तरफ इसलिए सब आ जाएंगे, तो एक बार में उस साइड को पार करेंगे तो उस साइड से बस पकड़ेंगे। तो ये दोनों आ चुके हैं अब, और मम्मी पापा और बिट्टी आने वाले हैं बस। गाइस टाइम की वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको एक चीज़, क्या है देखो, ये देखो टाइम की वैल्यू, ये कह रही है आके बैठ गई जल्दी में तो बोर हो रही, तो मैं इसकी चैन लगाती हूँ, उसकी चैन टूट गई तो इसको ऐसे ऐसे हाथ से जोड़ रही है, ऐसे चैन लगाते हुए जा रही, देखो शाबाश, ऐसी टाइम का ध्यान रखो जिंदगी में आगे बढ़ोगे ऐसे अपने टाइम पे कायम रहोगे तो। मतलब चैन वाली बन जाऊंगी मैं? चैन वाले नहीं बन जाओगे, आई मीन टू से अपना जो टाइम को टाइम दोगे तो आपको टाइम, आपको टाइम देगा ना, ये कहना चाह रहे हैं हम, समझे कि नहीं? देखो डेडिकेशन लड़की की, सारा जोड़ते इस साइड से लेके इस साइड तक पूरा, इनकी चैन टूट गई दोनों की साइड की, इस साइड की भी, इस साइड का भी जोड़ दिया फटाफट कर दिया इन्हें, ऐसे अजीब लग रहा था ना खुला खुला सा, इसलिए इसने जोड़ दिया, तो मतलब मेहनती है ये ऐसा कह सकते है नहीं? घर में तो एक काम नहीं होता, से यहाँ पे बढ़िया आई बड़ा टाइम पास नहीं हो रहा, तो होता नहीं है काम, घर में सिलाई हो जाती है, घर में काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता, आप लोग घर में रहते हो, देखो खुद ही बता रही अपने मुंह से अपनी बेइज्जती। पापा जी आ गए हमारे और मम्मी के लोग आ गए, सब लोग आ चुके, मतलब उस पार चलते उस पार। अरे यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय भाई, ये वाली अच्छी लगती है, इसलिए पिछली बार भी पिया था, इस बार भी पी रहे, सबके लिए ले रहे हैं, सब लोग आए हैं जो ड्रॉप करने आए उनके लिए भी ले रहे हैं, सबके लिए। ये मैंने ले ली अपनी चाय, पीते हैं इसको, चाय पी लिया, इसको फोड़ने का अलग ही मजा है, हाथ में लग जाता पैर में बच गया। ओके बस और मौके रेडी साइड जाने के लिए, सब लोग तैयार हो गए चढ़ने के लिए बस। तो हम उतर गए हैं इस तरफ, रोड पार करके जा रहे हैं उस साइड, उस साइड से लेंगे दूसरी बस। ये हम ले रहे हैं यहाँ पे तरबूज, हमारी मम्मी बोल ले चलो घर पे खाएंगे, काट कर दिखा देना भैया थोड़ा, एक दो किलो ले ले रहे हैं घर पे खाएंगे, 5 किलो लेना है, थोड़ा लेना है, दे दो भाई 5 किलो, हमारे पापा जी का डिसीजन आ गया कि 5 किलो का ले लो, 80 रुपये किलो बता रहे, 80 रुपये का 5 किलो बता रहे हैं। तो ये कटवा के चेक कर रहे हैं मीठा है कि नहीं, लालपन है क्या है,
करो मीठा सही है। तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे कुछ खाने वाला, यहाँ पे सामने दुकान है ये जलेबी वलेबी की, तो इसमें हम ले रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं ये वाले, ये ले रहे हैं टिक्की है शायद, ले आओ ले बिट्टी चलो चलो। ये रहा हमारा देखो टिक्की और ये चटनी गर्मा गर्म मस्त है। टिक्की भी खा ली है, तरबूजा भी ले लिया है और टैक्सी वगैरह ली थी वो भी पी लिया, पर जो हमारी बस आने वाली थी वो अभी तक आई नहीं है, वो 7:40 की बस है तो 7:40 सुपर हो चुका है, देखो कब तक आती है। गाइस बहुत देर के बाद एक डेढ़ घंटे के बाद हमारी बस आ चुकी है, वो लगी है सामने देखो उधर, ये नज़र आ रहा है ये देखो ये हल्की हल्की जो दिख रही है अभी इसको, यहाँ पे जहाँ हम खड़े जिस जगह पे उस जगह पे भी हाथ दे के रुकवाएंगे और सारे लोग इधर रेडी हो चुके हैं चढ़ने के लिए बस में, बैठ गया बस में और अभी चलेगी बस थोड़ी देर बाद सवारी बिठा करके यहाँ से फुल करके तब इस वाली सीट पर बैठूँगा, विंडो वाली भी क्योंकि थोड़ी हवा है, वो ड्राइवर गए हैं चाय वाय पीने के लिए सामने, ये दुकान है ना यहाँ से। उतर चुके बस से और अब हमारे भाई आ गए छोटे हमसे लेने के लिए, तो ये हमें लेके चलेंगे ये रखे सामान और सब बैठेंगे, मुझे पता है मेरे को जाना पड़ेगा पहले क्योंकि बैग लेके मुझे जाना है सफर, मेरे को बनना है ट्रैवल करके बैग को, मेरे को डोना ले जाना है मेरे काम के लिए, इन सबको खाली बैठना है और चलना है। ये लेके आ गया हूँ इन दोनों जने को, ये लेके चलेंगे थोड़ा खातिरदारी करा दें जूस पीने के लिए क्योंकि गर्मी है बहुत, लगवा लो जो उन सब पियोगे वो लगवा लो। आगे भाई अपना मैंगो शेक, एक कॉल करने पर आगे हमारे तो हमारा फर्ज बनता है इतनी धूप में उनको कुछ ठंडा पिला के थोड़ा नरम करा जाए इनके, पीते हैं अब इसको। और कुछ खाना पीना है हाँ खा लो, और कुछ समोसे वमोसे कुछ भी नहीं, चलो फिर इधर से ले चलो इधर से, हाँ ये ठीक है। आ तो गए हैं, आपको खिलाएंगे ना इतने सारे लोग आ गए हैं, अब चुप हो जाओ चिज्जी लो चिज्जी चिज्जी ला के दो, चलो चिज्जी दो भाई फुग्गा दो भाई इसको गुब्बारा फुला के दो, कहाँ है गुब्बारा फुला के दे रहे हैं तब भी नहीं ले रहा, चुप नहीं हो रहा, नौटंकी है नौटंकी, अभी मम्मी की गोदी में जाएगा अपने एकदम शांत हो जाएगा चुप, रो रहा था ये अभी, इसको दे दिया ये रखा गुड़, तो गुड़ ले लिया इसने, छोटा नहीं लिया सबसे बड़ा लिया इनने, लेके खा रहा आराम से देखो कितने प्यार से, दिखाओ इधर दिखाऊं बहू शाबाश, खा लो खा के दिखाओ शाबाश, ऐसी चाचा की बात मानते रहो, जल्दी बड़े हो जाओ फटाफट। मम्मी जी को हमारे सरप्राइज मिल गया भाई, हम सोच रहे थे कि हमारी भाभी नहीं होंगी अपने घर गई हुई थी मायके, तो आ चुकी है मायके से, हमें भी नहीं होता था कि आ चुकी है, हमारी फोन पे बात होती तो कह रहे थे कि अभी नहीं आएंगे कुछ दिन बाद आएंगे, तो हमारे तो हम जैसे सरप्राइज है मम्मी भी सरप्राइज हो जाएंगी आगे, पापा ने देख लिया वो सरप्राइज हो चुके हैं, देखो सरप्राइज दे देना आपके दे दिया सरप्राइज आपको इन्होंने, और कमर बहुत सरप्राइज दे दी। जो तरबूज लेके आए उसको अभी हम इसमें डाल ले बाल्टी में जो थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ी देर में खाएंगे ना अभी क्योंकि इसलिए इससे क्या होगा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ठंडा आई मीन धूप से लाएं थोड़ा सा उसमें रख देंगे ठंडा हो जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा, फिर ठंडा ठंडा रहेगा पेट में, इसलिए ये कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं ऐसा, गांव का देसी जुगाड़ है ये। तो गाइस अब खाने जाए तरबूज, अब तरबूज खाते हैं, ये तरबूज ले लिया मैंने मम्मी ने काट दिया और ये गाँव के स्वाद बहुत अच्छा होता है तरबूजों का, बहुत मीठा है ना, बहुत मीठा। इन लोगों ने पहले खा लिया। अभी हम जा रहे हैं अपनी मौसी के घर, हमारी मौसी रहती है हमारा जो घर है यहाँ से इस जगह से थोड़ा सा दूर रहती है, ये जब दिखाता हूँ आपको जिधर हम रहते हैं, ये हमारी मेरी मम्मी की चार बहन है, तो ये कौन से नंबर की मुझे नहीं पता, मौसी के घर चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो घर दिखाते हैं यहाँ से कितनी दूर है। ये हमारा घर है और ये पीछे की साइड जो ये सामने खेत के सामने जो इधर का बस्ती है ना, ये इधर की साइड की इधर ही रहती है मेरी मौसी इधर की तरफ, तो चल रहे हैं उन्हीं के यहाँ सब लोग, इधर से ये सब जाएंगे इधर से पैदल क्योंकि इधर से गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, और हम जाएंगे रोड बाय रोड, मैं पापा बाइक से चलेंगे भेज दिया अब क्योंकि हम बाइक से जाएंगे इसलिए जा रहे हैं इधर से, तो चल दिए अब मेरी गाड़ी इसको स्टार्ट करते हैं, मैं चलाऊंगा पापा बैठेंगे, तो वो भी हमारा भतीजा भी आने के लिए कर रहा है गाड़ी पे बैठने के लिए, उतर के देखो पानी नहीं पी रहा नखड़े कर रहा है, मैंने बोला अभी आ जाऊंगा तब तुझे घुमाऊंगा। तो पहुंच चुके अपने मौसी के घर पे और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वेदर, देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, ये देखो क्या व्यू आ रहा है, सूरज ढल रहा है कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो यह गांव के नज़ारे,
और ये रोड है, इधर से अभी हम इस रोड से आए हैं। मम्मी मम्मी सब आगे उधर बैठे हैं, मौसी के पास बात कर रही हैं। सारे लोग जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो यहाँ आम का बाग है उसमें जा रहे हैं। ये देखो इन सबों के चेहरे पे खुशी देखो, और ये हमारी मौसी जी की लड़की है। ये इधर की साइड सारे जो पेड़ है, इधर आम भरे हुए दिखाता हूँ आगे पास से चल के। बहुत हुए, बहुत ज्यादा, फिर तो मजा आएगा। पेड़ ही पेड़ आम से भरे हुए हैं, एकदम नीचे नीचे लटके हुए हैं। व्यू देख रहे हो कितना मस्त आ रहा है, अलग ही व्यू आ रहा है। देखो कितने सारे आम हैं और यही तोड़ रहे हैं सारे के सारे जने। अब तोड़ता हूँ, ये देखो जितना जूम करूँ उतना ही पूरे इस पेड़ में आम ही आम लद रहे लटक रहे हैं, मतलब बहुत सारे। तो आज यादें ताजा करते हैं अपनी बचपन में, जैसे हम यहाँ पे आके आम तोड़ते थे बहुत पहले, छोटे थे तो बहुत तोड़ते थे। तो ट्राई करते हैं, टूटते नहीं टूटते, पहले तो टूट जाते थे। हट जा बाबू, चलो फोकस कैमरामैन। ओ हो, एक बार में निशाना मार दिया। ये देखो गाइस इतने सारे तोड़े मैंने कुछ जो नीलम के हाथ में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं तोड़ लूंगा। एक बार में ही टूट गया, मुझे नहीं पता था कि टूट जाएगा मेरे से। और जो उस वाले हाथ में कोमल के हाथ में दिखाइए, कोमल ये तो कोमल के हाथ में जो ये सारे बच्चे सब उन्हें टूटे हैं। इतना बहुत है, टेस्ट करेंगे अभी, खाएंगे अभी घर पे रखा है तोड़ के। हाँ, और हमारी मौसी ने पहले तोड़ के रख लिया, हमारे ले जाने के लिए तोड़ के रख रखा है। इतना खट्टा ही ऐसी खाई जा रही है, देख रहा ना, नमक लिया ना कुछ लिया, अमृत है इसमें, अमृत खट्टा ही खाई जा रही है। ये है वो आम जो हम तोड़े थे और अभी खा रहा हूँ मैं, इसको छील दिया पूरा। और ये वैसा आम है एक्चुअली, क्या है ना, जैसे कि एक आम होता है कच्चा आम में ही मीठा होता है, तो वही वाला आम है ये। अच्छा है, बिगैर नमक लगाए इसको खा सकते हैं मीठा खाने में। और आम जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ये दरअसल मीठे वाला आम है, कच्चे में ही मीठा रहता है ये, तो खाते हैं इसको। कल मैंने खा लिया, देखो ये मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई नीड योर सपोर्टर, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। पैसा था और कोई कमाता है इस दुनिया में नहीं सर, मुझे सिर्फ आपका प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया अभी तक तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक मिल जाएगा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, टेक केयर गाइस।